प्रदेश भर के महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कॉलेज में कक्षाएं नियमित रूप से शुरू हो चुकी हैं। वहीं छात्र संगठन भी नए छात्रों को अपने संगठन की विचारधारा से जोड़ने के लिए सक्रिय हो गए हैं। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में NSUI का साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में NSUI के पदाधिकारी हमित जम्वाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व NSUI अध्यक्ष आजाद बुमरा ने बताया कि साधारण अधिवेशन में पूर्व की कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें हरनाम सिंह को सर्वसम्मति से इकाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में योगराज को चुना गया। NSUI मंडी इकाई के द्वारा वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एक जनरल हाउस किया जा रहा है, जिसमें जो NSUI की पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। हर वर्ष जो है NSUI मंडी इकाई के द्वारा जो भी पुरानी कार्यकारिणी होती है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी बनाई जाती है, तो इस वर्ष भी नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसमें सर्वसम्मति से हरनाम सिंह जी जिनको अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष जो है योगराज जी को बनाया गया है। इसके साथ 25 सदस्यीय NSUI की कार्यकारिणी का गठन किया गया और जो भी नई कार्यकारिणी है उनको जो कॉलेज में जो भी छात्रों को समस्याएं आ रही हैं उनको जो समस्याओं का समाधान करने की और भी जो NSUI को मजबूत करने की शपथ यहाँ पे दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।